झारखंड में घोटालेबाजों पर ईडी की तलवार लटक रही है। प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यकाल में हर दिन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में अब फिर साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को ईडी के अधिकारियों ने तलब किया है। उपायुक्त रामनिवास यादव 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी आज ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी से इसी मामले में हाल में ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। धीरज साहू सुबह करीब 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि ईडी धीरज साहू से हेमंत सोरेन के साथ उसके कथित संबंधों और पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी के दौरान जब्त की गई एक लग्जरी कार के संबंध में पूछताछ कर और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। कहा जा रहा है कि ईडी धीरज साहू और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से अवैध खनन के साथ साथ छापेमारी में जब्त अवैध कारतूस और बैंक खाते में जमा पैसे के बारे में पूछताछ होगी। मालूम हो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर 2023 में इनकम टैक्स विभाग ने उनके ओडिशा में स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान 351.8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त किए गए थे। यह राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। इस कंपनी के प्रवर्तक कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार के ही सदस्य है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।